वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स इन द सोशल साइंस क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू रीड आवर थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट। वी विल डिस्कस फर्दर मोर टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन विद द टॉपिक लोन एक्टिविटीज ऑफ ए बैंक। इन दिस पैराग्राफ वी विल डिस्कस हाउ ए बैंक provide loan to the customer and why the people take loan from the banks। banks वालों जो loan देता जाता है वो पैसा banks नूं किसी government वालों या किसी होर authority वालों provide नहीं किया जाता। यह पैसा वही होता है जो असी लोगों ने banks विच जमा करवाया जाता है। banks साढ़े वालों जमा करवाए गए पैसे विचों सिर्फ 15% पैसे अपने कोल रख दिए और बाकी सारा पैसा जिहड़ा है वह लोन के रूप में दूसरे कस्टमर नूं दे दिंदी है। अगर साढ़े विचों कुछ पीपल्स जमा करवाए गए पैसे विचों कुछ पैसे कढ़वाउण जांदे आ, विड्रॉन करन जांदे आ बैंक्स विच, तां बैंक्स वल्लों जो 15% पैसा अपने कोल रख्या हुंदा है उस विचों पैसे अपने कस्टमर नूं मंग दे अनुसार डिमांड दे अनुसार दे दित्ते जांदे आ। अपने कस्टमर लई विड्रॉन लई सिर्फ 15% बैंक्स पैसे इस करके रखदियां ने क्योंकि विड्रॉन करवाउण वास्ते कई दिनों में बहुत सारे लोग जाते हैं बैंक में, पर कुछ दिन उल्टा अजे भी होंगे ने जिन्हों दिन घट ही लोग जो विड्रॉन करवाने वास्ते जाते हैं, घट ही लोग पैसे कढ़वाते हैं। जिस दिन कस्टमर नहीं आते पैसे विड्रॉन कर उस दिन भी जो पैसे फिर सेव हुए होंगे वो उस दिन यूज हो जाते जिस दिन कस्टमर ज़्यादा आ जाए विड्रॉन करवाने वास्ते। सो इस तरह 15% एवरेज के नाल बैंक्स अपने को पैसा रख दिया ने जिस दिन अपने कस्टमर डिमांड पूरी कर लेंदियां ने। थर्ड पॉइंट विच एक्सप्लेन किया गया है कि सानू कई वर्क करने वास्ते लोन की जरूरत पैंदी है, जिवें असीं कोई एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट का करते हैं, ट्रेड का वर्क करते हैं, जां कोई शॉप करते हैं, अजिहे बिजनेस नूं एक्सटेंड करन वास्ते जां इसका बैलेंस मेनटेन करन वास्ते सानू लोन की जरूरत पै जांदी है। सो अजिहियां नीड्स नूं पूरा करन वास्ते असीं बैंक दे कोल लोन लै सकते हाँ। बैंक्स सानू जो लोन के तौर पर पैसा दिंदियां ने यह पैसा उन्हां लोकां दा हुंदा है जिन्हां कोल वाधू धन हुंदा है, सरप्लस धन हुंदा है, और दिंदियां उन्हां लोकां नूं आ जिन्हां कोल पैसा घट हुंदा है, जिन्हां नूं पैसे की लोड़ आ। इस तरह बैंक्स सरप्लस पैसे वाले लोगों अते पैसे की नीड वाले लोगों विचकार इंटरमैडिएट का काम करदे आ, विचोलगी का काम करदे आ कि सरप्लस वाले परसन के पैसे अपनी रिस्पोंसिबिलिटी दे उस परसन नूं प्रोवाइड करदे ने जिसनूं पैसों की नीड होवे। नैक्सट पॉइंट विच एक्सप्लेन किया गया है कि बैंक्स जो लोन सानू प्रोवाइड करदे ने, लोन सानू दिंदियां ने उस उत्ते हाई इंट्रस्ट लगाया जाता है कि काफ़ी ब्याज लगाया जाता है। इस दे रिवर्स जो पैसा असीं खुद बैंक दे विच जमा करते हैं बैंक्स सानू उस पैसे दे उपर इंट्रस्ट रिवर्स दे विच घट दिंदियां ने। सो जदों असीं लोन लैंदे हाँ उदों सानू बैंक नूं ज़्यादा इंट्रस्ट पे करना पैंदा है, इहदे रिवर्स जदों असीं खुद डिपोजिट करवाउंदे हां उहदे रिवर्स सानू घट इंट्रस्ट प्राप्त हुंदा है। इंट्रस्ट दे विचकार जो ये डिफरेंस आउंदा है इह बैंक दा एक इनकम दा वर्क करदा है। इस नूं असीं एक एग्जाम्पल दे नाल क्लीयर करदे हाँ। मन लो कि असीं बैंक दे कोलों लोन लिया, बैंक ने सानू आख्या कि इस लोन दे उपर असीं तुहाडे कोलों 2% दे हिसाब नाल इंट्रस्ट लवांगे। उस तों बाद एक परसन बैंक दे विच पैसे डिपोजिट करवा के आया, उस परसन नूं डिपोजिट करवाउण ते बैंक ने आख्या कि असीं तुहानूं इस डिपोजिट किए गए पैसे दे उपर 1% इंट्रस्ट देवांगे। सो जदों असीं लोन लिया 2% दे नाल बैंक ने दिता, जदों असीं अपने पैसे जमा करवाए बैंक ने आख्या कि असीं 1% दा रिवर्स ब्याज देवांगे। सो 1% जो हुण विच डिफरेंस आ जांदा है 2-1, यही 1% बैंक की इनकम है। नैक्सट पॉइंट विच दसा गया है कि डिपॉजिट मनी एंड लोन मनी उपर लगन वाले इंट्रस्ट विचकार जो डिफरेंस है यही इंट्रस्ट का जो डिफरेंस है बैंक की इनकम है, और इस इनकम नूं फर्दर बैंक्स वालों लोन प्रोवाइड करने वास्ते यूज किया जाता है। नैक्सट टॉपिक असी स्टार्ट करना है टू डिफरेंट क्रैडिट सिचुएशंस, मीनस कर्ज लैन दियां दो वख-वख सिचुएशन स्थितियां। यह टू सिचुएशन रीड करने तो पहले सानू इत्थे क्रैडिट की डेफिनेशन दी गई है जिसका मीनिंग है कि क्रैडिट मीनस लोन एक समझौता है जो कि लैंडर उधार देने वाले और बोरोअर उधार लैन वाले विचकार किया जाता है।
इस समझौते के अनुसार लैंडर वालों अपनी मनी, गुड्स, कोई चीज़ा जां कोई सर्विस इस शर्त ते दित्ती जांदी है बरोअर नूं कि ओह फ्यूचर दे विच उधार लिया गया पैसा सर्विस जां गुड्स वापस कर देवेगा। लेट अस नाउ रीड टू डिफरेंट सिचुएशंस। इन विच टू डिफरेंट परसन टेक लोन टू फुलफिल देयर नीड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल आउंदी है साडे कोल फेस्टिवल सीजन, जिस विच एक्सप्लेन किया गया है कि 2 महीने बाद फेस्टिवल सीजन आने वाला है। एक परसन है जिसका नाम है सलीम, जो कि शू मेकिंग का काम करता है। उसने एक बड़े व्यापारी वालों, ट्रेडर वालों 3,000 pairs of शूज बनाने का ऑर्डर दिया गया है। अते कहा गया है कि यह ऑर्डर तू मैनू 1 महीने में तैयार करके दे। 1 month में इन्नी ज़्यादा प्रोडक्शन करने वास्ते हूँ सलीम वालों कुछ नवे वर्करस अपनी दुकान के उपर रखे गए हैं, जो कि उसके शूज स्टिच करके देंगे। इस तो अलावा नवे शूज तैयार करने उसने न्यू रॉ मटीरियल लैदर एक्सैक्ट्रा भी खरीदना है। अपने न्यू वर्कर अते खरीदे गए रॉ मटीरियल का खर्च पूरा करने वास्ते सलीम ने लैदर प्रोवाइडर के नाल संपर्क किया अते कहा कि तू हुण मैनू लैदर दे दे, मैं 1 महीने बाद तेरे पैसे रिटर्न कर देवांगा। सैकेंड प्रोमिस उसने किया ट्रेडर के नाल जिसने ऑर्डर किया सी, उसनू कहा कि तू मैनू 3,000 pairs शूज का ऑर्डर किया है, तू इस विचों मैनू 1,000 pairs शूज के पैसे एडवांस में दे दे, बाकी 2,000 के पैसे उदों दे देना जो मैं तेरा ऑर्डर तैयार करके तेनू दे देवांगा। 1 month बीतने तो बाद सलीम ने यह ऑर्डर तैयार करके उस ट्रेडर नू दे दिता, जिस दे नाल उसनू काफ़ी प्रॉफिट होया। उसने एडवांस में जो लैदर वाले को समान लिया रॉ मटीरियल उसके पैसे भी रिटर्न कर दिते। जो न्यू वर्कर रखे सन उन्हां दी पेमेंट करन तो बाद भी काफ़ी सेविंग हो गई, मतलब लोन लैके भी वो परसन प्रॉफिट में रहा। सैकेंड एग्जाम्पल साडे कोल आ जांदी है स्वप्नास प्रॉब्लम। इस विच एक्सप्लेन किया गया है कि स्वप्ना एक समॉल फार्मर है जिसके कोल 3 acres जमीन है, जिस विच वह ग्राउंडनट्स की फसल तैयार करती है। इस फसल की बिजाई तो होने वाले खर्चे को पूरा करने वास्ते वह एक मनी लैंडर कोलों कर्ज लै लेंदी है। मनी लैंडर कौन होंदे जो साडी जमीन गहने रख के सानू पैसे दे देन। सो इस तरह उसने लोन लैके अपनी जमीन दे विच फसल बीज दित्ती, पर मिडवे दे विच जाके की होया कि उसकी फसल नू कीड़े पैने शुरू हो गए। उसने पेस्टिसाइड्स लैके स्प्रे भी की, पर फिर भी उसकी फसल जिहड़ी वह फेल हो गई, फसल उसकी खराब हो गई। उसने तो कर्ज इस इच्छा के नाल लिया सी कि मेरी जो फसल हो जाएगी मैं ये पैसे मनी लैंडर रिटर्न कर देवांगी, पर हुण उसकी फसल पूरी तरह खराब हो गई, जिस करके वह मनी लैंडर का कोई भी पैसा रिटर्न ना कर सकी। नैक्सट ईयर फिर उन्हें कल्टीवेशन करने वास्ते होर फ्रैश लोन लै लिया, पर इस साल भी फसल जी खराब होने तो बच गई, पर प्रोडक्शन झाड़ कोई ज़्यादा वधिया ना निकलिया, उसकी फसल नॉर्मल ही रही, जिस करके वह पुराना लिया गया लोन रिटर्न करने वास्ते असमर्थ सी। इस तरह यह किसान औरत कर्जे के चक्कर में फस गई। इस कर्जे के चक्कर में निकलने वास्ते उसनू अपनी जमीन का कुछ पार्ट जिहड़ा वो सेल करना पिया ताकि वह अपना कर्जा जिहड़ा क्लीयर कर सके। इस तरह असी देखते हाँ कि फस्ट एग्जाम्पल में जिस परसन ने लोन लिया सी उस परसन नू बेनीफिट हो गया। सैकेंड टाइम सिचुएशन अलग सी, जिस विच स्वप्ना नू जिहड़ा ये लोन का नैगेटिव इफेक्ट होया, सगों उसनू बेनीफिट की जगह अपनी जमीन का कुछ पार्ट वेट के जिहड़ा ये कर्ज रिटर्न करना पिया। नैक्सट साडे कोल आ जांदा है इंपोर्टेंस ऑफ क्रैडिट फॉर फार्मर इन रूरल एरियाज, मीनस कि पेंडू इलाके किसानों वास्ते कर्ज की की महत्ता है। फस्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि क्रॉप बीजन तो पहला किसान जो उसने बीज के उपर फर्टिलाइजर के उपर पेस्टिसाइड स्प्रेयां के उपर खर्चा करना होंदा है, जां कोई अपनी मोटर का इलैक्ट्रिसिटी कोई रिपेयरमेंट करवानी होंदी है, अजिहे काम पूरे करने वास्ते लोन लैंदा है। सैकेंड पॉइंट में दसा गया है कि फार्मर वालों जो इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं या रिपेयर किए जाते हैं जां कोई फर्टिलाइजर एक्सेट्रा खरीदिया जांदियां ने, इन्हां दे विचकार अते फसल सेल करन तक 3 या 4 महीने का समा बनता है, मीनस किसान यह कर्ज 3 या 4 महीने वास्ते लैंदा है। थर्ड पॉइंट में दसा गया है कि मोस्टली फार्मर्स वालों
फसल जदों उसने बीजनी होंदी है स्टार्टिंग दे विच उदों लोन लिया जाता है, जदों अपनी फसल मंडी दे विच सेल कर दिंदा है उदों इसकी रीपेमेंट कर दी जाती है। पर जेकर कोई फार्मर स्वपना वांग फसल फेल होंदा करके कर्ज जिहड़ा मोड़ने विच असमर्थ हो जाए तो इस तरह वो लगातार फिर डेब्ट ट्रैप दे विच जकड़िया जाता है, मतलब कर्जे के जाल विच फस जाता है। नैक्सट टॉपिक है साडे कोल टर्म्स ऑफ क्रैडिट के कर्जे दीआं शर्तां। यह उह शर्तां हुंदीआं हन जो बोरोवर एक पैसे उधार लैण वाले वल्लों लैंडर उधार देण वाले वल्लों लोन देण तों पहलां समझौते दे नाल मन्नीआं जांदीआं ने। असीं जेकर किसी बैंक दे कोलों जां किसी परसन दे कोलों लोन लैण जांदे हाँ तो उह सानूं कुछ रिटन दे विच लिख के पैसे नहीं देवेगा, क्योंकि उसके मन दे विच हमेशा एक सस्पेशन एक शक रहेगा कि इन फ्यूचर पता नहीं इस परसन मेरे पैसे रिटर्न करते ने या नहीं करने। सो अपने पैसे की सेफ्टी वास्ते फिर लैंडर साढ़े कोलों कोई असैट साड़ी जमीन जायदाद दे जां किसी वहीकल दे पेपर्स लैके अपने कोलों रख लैंदा है। ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੇਗਾ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।